हेलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियरिंग का, ठीक है? क्या है क्वेश्चन? देखो, साइन 25 और 65 है ना, और टेन 23 और 67 बोला, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है पूरे की। वही कॉन्सेप्ट है, एक ही कॉन्सेप्ट है फर्स्ट एक्सरसाइज वाला। क्या? कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। यही वाले रूल्स यूज करने हैं तो हम कर देंगे। देखो, 65 और 25, 65 और 25 दोनों मिलके 90 बन रहे हैं ना, तो एक को चेंज करना है, दूसरे की इक्वल आ जाएगी। ऐसे इन दोनों को मिलाएंगे तो एक को चेंज करना है और दूसरे की इक्वल आ जाएगी, तो हम साइन को चेंज कर लेते हैं। साइन को चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन, और 25 की वैल्यूज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो, अगर 90 में से मैं 65 माइनस करता हूँ तो 25 के इक्वल आता है, आता है कि नहीं आता? 90 में से हम 65 माइनस करते हैं तो 25 आता है, तो 25 को मैं 90 माइनस 65 लिख सकता हूँ ना। मैंने लिख दिया 90 माइनस 65, ठीक है? और नीचे क्या है? कोस 65। सेम इसी तरह से मैंने इधर लिखा 10, और अगर मैं 90 में से 67 माइनस करता हूँ तो किसके इक्वल आएगा? 23 के। तो 23 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, तो 10 23 को मैंने क्या लिखा? 90 माइनस 67, ठीक है? और नीचे क्या है? कोट 67, ठीक है? अब साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया? कोस थीटा। पता चला क्यों लिखा? टेंशन आई होगी ना कि क्यों लिखा, ऐसा ही क्यों लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस थीटा हो गया। क्यों हो गया कोस थीटा? क्योंकि नीचे भी कोस सेम है, अब कट जाएंगे, इसलिए हमने चेंज किया, ठीक है? ऐसे यहाँ पे कोट को किस में चेंज किया? टेन 90 माइनस थीटा को कोट 90 माइनस थीटा 90 67, और कोट 67 ये भी कट गया, ठीक है? तो इधर क्या आ गया? 1 + 1 कितना आ गया? 2। एक नंबर का क्वेश्चन, आंसर 2 आ गया, बिल्कुल पक्का एक नंबर, समझ गए? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। मैंने पहले भी कहा था, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ हार्ड नहीं लगेगा आपको। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।